हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बचे हुए कपड़े से छोटा सा बेबी फ्रॉक बनाना बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास दो कपड़े के पीसेस हैं। ये मेरे बचे हुए कपड़े के पीसेस हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो अराउंड 27 इंचेस की है और इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच की है। और ऐसे मेरे पास यहाँ पे दो पीसेस है। तो पहले इसमें हम यहाँ पे ये जो फैब्रिक मैंने लिया है इसमें ऊपर की तरफ से इस तरह से हम प्लेट्स बना के लेंगे और जो कमर का साइज़ है वो हमारा यहाँ पे 12 इंचेस रहेगा। तो इसे 12 इंच तक हमें लाना है, दोनों ही पीसेस में हमें इसी तरह से करना है। अब इसी कपड़े में से यहाँ पे मैंने पहले ही दो पीसेस कट करके रखे थे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे दो पीसेस लिए हुए हैं, ये सेम फैब्रिक के पीसेस है। इसकी जो लंबाई है वो सेम ही है 10 इंचेस और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 12 इंचेस लिया हुआ है। इसे हम पहले आयरन करके लेंगे फिर इसमें बॉडी कट करेंगे। जो घेर के लिए हमने कपड़ा लिया था उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमने प्लेट्स बना के रेडी करके लिया है। अब इसमें हम नीचे की तरफ से देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे एक लेस ली हुई है। ये जो लेस है इसे हमें देखिए इस तरह से बॉटम में लगानी है और ऊपर और नीचे दोनों ही साइड से स्टिच करके लेना है। तो ये देखिए, हमने जो बॉडीज के लिए कपड़ा लिया था उसमें हमने आयरन करके रेडी करके लिया है और ये दोनों ही पीसेस साथ में ही रखे हुए हैं। अब इसको हम इस तरह से देखिए टू फोल्ड करके लेंगे। तो ये देखिए, दोनों ही पीसेस को हमने इस तरह से एक ही साथ में फोल्ड करके लिया है और अब हम इसमें बॉडी की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले गले में मैंने 2 इंचेस लिया है, तो गले की लंबाई 2 इंच रहेगी और जो गले की चौड़ाई है वो 2 इंचेस या आप चाहे तो 1/4 इंच कम भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 इंचेस ही रखा है। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे गले में हमें राउंड शेप दे दिया है। फ्रंट और बैक के लिए मैं सेम गला यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे जो शोल्डर है ये भी मैंने 2 इंचेस ही रखा है और यहाँ से जो आर्महोल है वो मैंने 4.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पे 1/4 इंच का शोल्डर स्लोप लेना है। इसके बाद में चेस्ट यहाँ पे 6 इंचेस आ रहा है तो मैं इसमें पूरा मार्क कर रही हूँ। अब हम यहाँ पे आर्महोल मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैंने एक आर्महोल मार्क किया है जो कि मेरा बैक का आर्महोल रहेगा और इसी के साथ में मैं फ्रंट के लिए एक और आर्महोल भी मार्क कर रही हूँ। आर्महोल आप चाहे तो एक ही रख सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे दो करना प्रिफर करती हूँ। अब मैं यहाँ पे लेंथ मार्क कर रही हूँ। तो लेंथ बॉडीज के लिए मैं सिर्फ 8 इंचेस ले रही हूँ जो कि मेरा रेडी रहेगा 7 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने 8 इंच पे मार्क किया है और दोनों ही डॉट्स को यहाँ पे मैंने इस तरह से जोड़ के लिया है। और अब यहाँ पे कमर में देखिए, इस तरह से हमें आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए यहाँ पे इस तरह से ऊपर की तरफ चेस्ट में इस तरह से जोड़ के लेना है। अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसे कट करके लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे बैक के आर्महोल के साथ ही इसमें कटिंग करके लेंगे। नेक हमारा सेम है तो नेक में हमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, फ्रंट और बैक में मैंने सेम नेक रखा है। अब इसमें से हमें देखिए बैक का जो पार्ट है इसे निकाल के लेना है और इस तरह से इसको फिर से वापस पकड़ते हुए जो हमने फ्रंट का आर्महोल मार्क किया था उसे अलग से कट करके लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे जो बॉडीज की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी को रखते हुए हमें लाइनिंग कट करके लेना है। तो ये देखिए, जो मेरा कपड़ा है थोड़ा सा पतला है इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे लाइनिंग का कपड़ा लिया है, तो इसमें हमें लाइनिंग को कट करके लेना है। अब आगे बढ़ते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो ये देखिए, स्टिचिंग के लिए जो हमारा फैब्रिक है मेन फैब्रिक उसे हमने इस तरह से सीधी तरफ रखा है, उसके ऊपर इस तरह से हमें लाइनिंग के कपड़े को रख के लेना है। ये देखिए, इस तरह से इसे रखते हुए यहाँ पे आर्महोल में गले में और दूसरे आर्महोल में हमें सिलाई लगा के लेनी है। बैक पार्ट को भी हमें इसी तरह से रख के लेना है। जो मेन फैब्रिक है उसे देखिए इस तरह से हमें सीधी तरफ रख के लेना है और उसके ऊपर हमें लाइनिंग को रखते हुए इसमें सिर्फ गले में हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसमें हमें देखिए इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा के लेने हैं ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो इजीली घूम जाए, ध्यान रहे सिलाई नहीं काटनी है। तो ये देखिए, हमने पूरा यहाँ पे एक नॉचेस लगा के लिए हैं। अब हमें यहाँ पे जो ऊपर का लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे देखिए इस तरह से पीछे की तरफ मोड़ के लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो बन के तैयार है। तो ये देखिए, शोल्डर्स को हमने इस तरह से अच्छे से बाहर निकाल के लेना है, फिर इसमें ऊपर से हमें एक सिलाई लगानी है और उसके बाद में ये जो हमने बैक पार्ट लिया है जिसके गले में हमने सिलाई लगाई है उसमें फ्रंट पार्ट को ये देखिए इस तरह से हमें रखना है। ये देखिए, इस तरह से बैक पार्ट के अंदर हमें इसे रखते हुए यहाँ पे शोल्डर से होते हुए आर्महोल में हमें सिलाई लगानी है।
तो ये देखिए हमारी सिलाई यहाँ पे लग चुकी है और इसमें भी मैंने छोटे छोटे कट्स लगा के लिए है। अब यहाँ पे भी हमें लाइनिंग को सीधी तरफ मोड़ के लेना है। तो ये देखिए इस तरह से इसे सीधा करते हुए इसमें भी हमें ऊपर से एक सिलाई लगा के लेनी है। सिलाई लग जाने के बाद में ये देखिए बैक पार्ट को हमने इस तरह से ठीक से बीचों बीच से फोल्ड करके लेना है और इसे ठीक से फोल्ड करते हुए बैक पार्ट को हमें टू पीसेस में कट करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने बैक पार्ट को कट करके लिया है। अब हम इसमें हुक्स बनाएंगे। तो हुक्स बनाने के लिए ये देखिए यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिप्स लिए हैं। एक मैंने यहाँ पे 2 इंच वाला स्ट्रिप लिया है और दूसरा वाला 4 इंच वाला है। तो ये जो 2 इंच वाला स्ट्रिप है उसे ये देखिए इस तरह से हमें एक साइड में रखना है। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे पहले हमें ऊपर की तरफ एक पीस फोल्ड करके लेना है और यहाँ पे 1/4 इंच के मार्जिन में एक सिलाई लगानी है। और जो दूसरा वाला पीस है इसे हमने ये देखिए इस तरह से 2 फोल्ड पकड़ना है और इसमें भी हमें देखिए ऊपर में थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करते हुए 1/4 इंच के मार्जिन में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए दोनों साइड में हमारी सिलाई लग चुकी है। ये जो छोटा वाला पीस लगाया है इसमें हमने ये देखिए ऊपर से एक और सिलाई लगाई है। अब इसे ये देखिए इस तरह से हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए देखिए इस तरह से 2 फोल्ड करके हमें यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से इसे पकड़ते हुए ऊपर से एक सिलाई लगानी है और जो दूसरा वाला पीस है उसे ये देखिए इस तरह से हमें पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए देखिए पीछे वाली जो सिलाई है उसके ऊपर इस तरह से रखते हुए यहाँ पे भी हमें एक सिलाई लगानी है। इस तरह से दोनों ही सिलाई लग जाने के बाद में ये देखिए जो पहला वाला पार्ट है इसे हमें दूसरे पार्ट के ऊपर इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा के अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे बैक पार्ट रेडी किया है। इसमें हम बाद में 2 हुक बना के लेंगे। तो इस तरह से जो हमारा बॉडी का पार्ट है ये बन के तैयार है। अब इसे हम घेर से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घेर हमने यहाँ पे लेस लगाते हुए रेडी करके लिया है। अब इसे ये देखिए हमें इस तरह से बॉडी के ऊपर उल्टा रखना है और यहाँ पे 1/2 इंच के मार्जिन में सिलाई लगानी है और बैक पार्ट में भी हमें इसी तरह से करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। दोनों ही साइड में हमने इसी तरह से सिलाई लगा के ली है। अब हम इसमें लाइनिंग अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 लाइनिंग के पीसेस लिए हैं। अब इसे हमें बॉडी की तरफ से रखते हुए सिलाई लगानी है। फ्रंट और बैक दोनों में भी इसी तरह से करना है। इससे जो हमारी फिनिशिंग है वो बहुत ही नीट से आती है। तो ये देखिए यहाँ पर सिलाई लग चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनिशिंग बहुत ही नीटली आया है अंदर से। इससे बच्चों को कपड़ा नहीं चुभेगा। इसके बाद में हमें यहाँ पे दोनों ही साइड्स को जोड़ के लेना है। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन हमने रखा है मैंने यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन लिया है उसके हिसाब से हमें स्टिच लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है और यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे एक लेस भी लगा के लिया है जिससे हमारा जो फ्रॉक है वो और भी खूबसूरत लग रहा है। अब लास्ट में यहाँ पे देखिए गले में मैं इस तरह से यहाँ पे 1/2 बीड्स है मेरे पास जो कि मेरे लेस में भी ऑलरेडी है। तो ये मेरे ड्रेस में अच्छे से मैच कर रहे हैं। तो इसे ही देखिए हमें पूरे नेकलाइन में ग्लू की मदद से स्टिक करके लेना है। सो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से जो हमारा बेबी फ्रॉक है वो बन के तैयार है। इसे आप 9 मंथ से लेके 15 मंथ के बेबी तक को भी डाल सकते हैं और आप देख सकते हैं मोतियों के लग जाने के बाद में फ्रॉक हमारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।